नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? एक बहुत बड़ी अपील जो आप लोगों के द्वारा जो बच्चे लेखपाल में सेलेक्ट हुए हैं और डीवी के स्किपिंग को लेकर आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा और लगातार एक अपील कर रहे हैं कि सर वीडियो बना दी जाए, तो जाहिर सी बात है कि उससे संबंधित वो बात भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेखपाल में अभी देखा जाए तो टोटल 8085 के सापेक्ष लगभग 27,455 बच्चे जो हैं वो डीवी के लिए अनुमोदित किए गए हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब से लेखपाल का फॉर्म आया था तब से लेके और अभी मौजूदा समय तक देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो क्लियर हो गई हैं। लगभग अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्य दोनों मिला लिया जाए तो लगभग 1.5 लाख, और उसमें भी ऐसी वैकेंसीज की बात किया जाए जो लेखपाल वाले बच्चे कॉमन रह सकते हैं उनको उठाया जाए तो लगभग 1.25 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन इन ड्यूरेशन में सेलेक्ट हो गए हैं, चाहे उसके पूर्व की परीक्षा हो या फिर हाल की परीक्षा हो, बट वो फाइनली उनका रिजल्ट आ गया है और वो वहां पे ज्वाइन, बहुत सारे बच्चों ने क्या कर लिया है, ज्वाइन भी कर लिया है। तो एक अपील ये है, मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं कि लगभग 2019 में देखा जाए जूनियर असिस्टेंट का 1186 पद, आरआरबी एनटीपीसी का 35,277 पद, एसएससी सीपीयूजी में केंद्र वाले की बात कर रहा हूँ, राज्य की बात करूं तो यूपी ट्रिपल एससी लोअर में ही 672 पद, सीएचएसएल सीपीओ एसएससी स्टेनो में क्रमशः 46,685, 1564 और 750 पद, ऐसे ही एसएससी एमटीएस दिल्ली पुलिस और यूपी पीसीएल लेखा लिपिक में क्रमशः 3,758, 102। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, अगर मैं केवल राज्य स्तरीय की बात करूं कि जो यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत मतलब जो यूपी स्टेट में एग्जाम होते हैं, यूपी पीसीएल हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, अभी आपने देखा कि दरोगा के ही लगभग 9,500 पद हुए, यूपीएसआई एसआई में लगभग 1,350 पद हुए, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे और भी लोअर का देखा जाए, यूपी ट्रिपल एससी में बोरिंग टेक्नीशियन का देखा जाए, ऐसे तमाम पद को मिला लिया जाए तो केवल यूपी से लगभग इस दरमियान जब से लेखपाल का फॉर्म आया है और आज मौजूदा समय तक 21,150 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं। तो बस अपील ये है कि जो 27,455 मतलब इस वैकेंसी का लगभग तीन गुना बच्चे जो हैं वो क्या हुए हैं, डीवी के लिए बुलाए जा रहे हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे फाइनली सेलेक्टेड हैं, जो जॉब कर भी रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं, ज्वाइन कर लिए हैं। ऐसे ही मैं अगर किसकी बात करूं, मैं केंद्र की बात करूं, देखो हो सकता है 21,150 में सारे बच्चे यूनिक तो नहीं होंगे, वही 21,150 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ होगा वही हो सकता है यूपी पीसीएल में हो, वही हो सकता है लोअर में हुआ हो, मतलब एक ही बच्चा तीनों जगह सेलेक्ट हुआ हो, बट फिर भी अगर मैं सारे म्यूचुअली को हटा दूं तो लगभग 5 से 6 हजार या 7 हजार तक यहां से भी फ्रेश बच्चे मिल जाएंगे। ऐसे अगर इस 1 लाख की बात किया जाए, और इसमें भी मैं केवल केंद्र वाले में भी केवल एसएससी और आरआरबी का मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, उसमें भी बहुत सारे छोड़ दिया हूँ, जो ऐसे जो लेखपाल के बच्चे जिन एग्जाम के एसएससी का या रेलवे का भरते हैं केवल उन वैकेंसीज को उठाए हैं। ऐसे मैंने यूपीपीएससी का भी काउंटिंग छोड़ दिया, जबकि बहुत सारे लेखपाल के बच्चे जो चयनित हैं वो यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो अगर संख्या बोला जाए तो बहुत नाममात्र होती है, इसलिए मैंने उन्हें कैलकुलेशन में नहीं लिया है। फिर भी अगर ये भी देखा जाए कि 1 लाख जो वैकेंसी केंद्र वाली होती है ये पूरे देश में वितरित होती है, तो अगर यूपी का ही हिस्सा देख लिया जाए, यूपी वाले बच्चे होते हैं वो कम से कम 20 से 30% तो ले ही जाते हैं, मतलब 20 से 30 हजार यहाँ पे होगा, और दोनों अगर म्यूचुअली मिला लें तो 7 से 8 हजार पद तो ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कहाँ पे सिलेक्टेड है। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि 1.25 लाख में कम से कम 10,000 से 15,000 बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से ही कहाँ पे हैं, सिलेक्टेड हैं, और उनका लेखपाल में भी कहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, एक मिनिमम फिगर लेके चले तो भी 6-7 हजार। तो अगर ऐसे बच्चे डीवी को स्किप कर देते हैं तो यहाँ पे जो एक सीट पे लगभग 3 का कंपटीशन है ना, वो कंपटीशन एक सीट पे शायद 2 का, या हो सकता है एक ही का रह जाए, या हो सकता है उससे भी कम हो जाए अगर यहाँ पे संख्या ज्यादा बढ़ गई कि नीचे से और बच्चों को बुलाना पड़े, कट ऑफ और नीचे गिराना पड़े। हालांकि ये तीसरी सिचुएशन कट ऑफ नीचे जाने की बहुत इम्प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी ये है कि जो अभी एक सीट पे 3 लोगों की फाइटिंग है तो उनके चलते, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो सकता है आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहां की प्रोफाइल भी ज्यादा अच्छी हो लेखपाल से, तो जाहिर सी बात है कि आप डीवी में तो बैठ जाओगे या फिर आप फाइनली सेलेक्ट नहीं होगे, और ऐसे में होगा क्या, ऐसे में सीटें वैकेंट चली जाएगी। अच्छा एक चीज और है कि जैसे बहुत सारे जो बच्चे अपील कर रहे हैं समझ नहीं पा रहे कि केवल अपील करने से काम नहीं बनेगा, अभी यूपी ट्रिपल एससी जैसे यूपीपीएससी हर बार निकालता है कि अभ्यर्थन वापिस लेने का,
यूपी ट्रिपल एससी भी अगर ऐसा निकाल दे कि जो बच्चे डीवी में नहीं बैठना चाहते हैं या कहीं सेलेक्टेड है अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ऐसे में आयोग को खुद पता होगा कि हाँ भाई सीटें वैकेंट नहीं जाने देना है, इन बच्चों को डीवी में नहीं करना है और बाकी जो नीचे के बच्चे हैं उनको क्या कर लिया जाए, उनका सत्यापन करवा लिया जाए अभिलेखों का। तो ऐसे कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी भी आयोग की तरफ से भी आ जाता है तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आयोग नहीं करता है तो आप कम से कम डीवी को स्किप अगर कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसे घर में जहां पे शायद चिराग की उम्मीद नहीं थी वहां पे भी चिराग जल जाएगा और एक घर में बहुत बड़ी खुशी आएगी। हो सकता है आप वो सीट वैकेंट छोड़ दो या खाली छोड़ दो जबकि दूसरे के घर की जिंदगी बन जाए। तो मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप ये कोई आंकड़ा तो क्लियर है नहीं बट आप में से बहुत सारे बच्चे जो हुए हैं वो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और आप डीवी छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।